हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। होमवर्क सब लोग भेज दिए इमोटी वगैरह करके? हाँ सर, उसमें से कुछ डाउट्स भी था। अच्छा, सारा नहीं हो पाया मतलब। अभी तो सर एक्सरसाइज 2 भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का कुछ 15-20 क्वेश्चन हुआ है। हाँ, एक मिनट। ये शुभांकर HW अंडरस्कोर विपुल का क्या मतलब है सर? मतलब ये जो विपुल ने भेजा है उसका फाइल नेम है शुभांकर अंडरस्कोर HW अंडरस्कोर विपुल। है कॉपी किया आप लोगों ने? नहीं सर, मेरा अलग है, उसका अलग होगा। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। वहाँ पे हम उसका फोन नंबर सेव करने में यहाँ पे लिख दिए सर। ओ बहुत ज्यादा हो गया सर, पूरा माइंड हैंग हो गया है। माइंड हैंग हो गया। हाँ सर, एक रीसेट बटन दबा के कुछ रीसेट। इतना क्वेश्चन था ना सर, 3 दिन से रात को 2 बजे सोए हैं, सुबह में 5। चलो अच्छा है, चलो डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए बताओ, सेक्शन ए में कुछ डाउट है? नहीं सर, सेक्शन ए ये तो हो गया था, डिस्कस कर लिया था सर। सेक्शन बी सी सर डिस्कस हो गया था। सेक्शन डी नहीं, ये डिस्कस नहीं हुआ था सर। सेक्शन डी में बताओ, 1-5 कुछ डाउट है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1-4 कुछ डाउट है? कल का लास्ट पार्ट ठीक से सुन नहीं पाए थे। नहीं, कल नहीं, परसों ही बताया था। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड B2H6 AlCl3 सब डिस्कस किया था। ये वो डाइमर था शायद। हाँ सर, हाँ सर, है सॉरी। बोलो और बताओ। सो कॉम्प्रिहेंशन में डाउट है सर। एक मिनट, पहले सेक्शन डी बताओ। सेक्शन डी में कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर, सेक्शन ही तो। सेक्शन एफ तो हो गया। सेक्शन जी? जी में सर है। हाँ सर, एक तो डाउट है। साइन कौन सा? और नीचे है सर। कितने 12 इलेक्ट्रॉन है राइट? हाँ सर। कौन सा फॉर्मूला गया इसमें? लूमो लेवल मतलब क्या हुआ? लूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसा ही सर। उसमें 2-3 है, 2 है, 2 या 3। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में सेम ल्यूमो करके वो। ठीक है। ओके, तो ये C2 का देख लो, 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 51 वाला। 51 वाला पक्के से? हाँ सर, कम है ना। एक मिनट। हाँ सर, बाबा 51। ठीक है, तो बाबा 51 लगा दो फिर। कौन सा एंगल इक्वल हम लोग का जानो? क्या हो गया स्क्रीन मेरा गायब हो गया? आप लोग को दिख रहा है ठीक से? हाँ सर, दिख रहा है पूरा। दिख रहा है सर। यस सर। बाबा 51। ऐसे ढूंढो एसी में कौन ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 2, इसमें 2, 4 इधर चले गए, 12 हो गए। हाँ सर। हाँ सर। तो बाबा ये बॉन्डिंग होता है, तो क्या पूछ रहा है? बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे होगा? हाँ सर, पहले सिग्मा बनेगा, सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा ना। और
लूमो फॉर सी टू मॉलिक्यूल इज सी टू टू माइनस देयर इज वन सिग्मा सी टू टू माइनस ये तो सही है ठीक है सी टू टू माइनस का आप करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ठीक है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा फिर ठीक है दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग फिर आप बॉन्डिंग बॉन्डिंग माइनस करोगे तो बी ए कट गया बचा 6 बॉन्डिंग 6 अपॉन 2 बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा 1 सिग्मा 2 पाई ठीक है हाँ सर इन C2 मॉलिक्यूल्स बोथ आर पाई बॉन्ड ये मेरे को गलत लग रहा है 1 सिग्मा 1 पाई होगा ना तो और ये क्या है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा पाई एक्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड सिग्मा पाई एक्स तो नहीं है सिग्मा पाई एक्स तो ऑक्युपाइड है ना इधर चाइल्ड वाला ठीक है पीछे से किसका साउंड आ रहा है म्यूट कर लो ठीक है इसका आंसर क्या है सी है ना अच्छा सर एक मिनट देख लेते हैं अच्छा गायब कैसे हो गया मेरे स्क्रीन पर से सर आंसर डी दिया है आंसर डी दिया है हाँ सर स्क्रॉल इसको कैसे कर रहे हो ओके तो इसका तो एक सिग्मा एक पाई मेरे आ रहा है इसका क्या एक सिग्मा दो पाई आ रहा है ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है ये लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसका हम लोगों ने बनाया कैसे बाबा फाइव वन तो दो 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 ये चारों ऐसे कैंसिल फिर ये क्या होता है पाई टू एक्स होता है ना पाई टू पी एक्स होता है पाई टू पी वाई होता है ये क्या होता है पाई टू पी जेड होता है और ये पाई स्टार होता है टू पी एक्स और पाई स्टार तो वो पाई टू पी एक्स टू होता है सर वो पाई टू पी एक्स टू हाँ हम दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब टू पी जेड तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है इसमें अच्छा सिग्मा टू पी एक्स थोड़ी होता है पी एक्स तो मतलब हमेशा पाई होता है ना सिग्मा तो पी जेड होता है राइट हाँ मतलब अच्छा ठीक है ये हम एक बार देख के फिर आपको बताएंगे ठीक है मेरे को लग रहा है इसका आंसर शायद गलत है हम एक बार चेक करके आपको बताएंगे ठीक है सर यस देन क्वेश्चन नंबर 10 11 12 10 ही है सर 10 आंसर ठीक है मिसलिनियस क्वेश्चंस नो कॉम्प्रिहेंशन सर 3 नहीं हुआ हां सर 3 नहीं कॉम्प्रिहेंशन 3 डायरेक्शनल डाइपोल अच्छा The bond angle, the bond moment is vertically sum of this bond moments, this. The group moments of a few compounds and directional dipole moment, bond angle is this, dipole moment is this. HS bond distance is this, therefore, approximate percentage ionic character of Wapre. That was right. The bond angle is 97 degrees. And its dipole moment is 1.5.
ओके एसएच अच्छा एसएच बॉन्ड डिस्टेंस इज दिस थिंग देयरफॉर द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज कैरेक्टर ठीक है देखो यहां पे क्या है एस एच एच दो लोन पे ठीक है इस दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कितना है 97 डिग्री दिया है ये एंगल कितना है 97 डिग्री ठीक है तो बेसिकली दो वेक्टर का यहाँ पे वेक्टर सम होगा ठीक है हाइड्रोजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सल्फर है तो सल्फर के तरफ एरो कर दो पहले सिक होता है फिर हॉस्पिटल जाते हैं ना तो दो वेक्टर है दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है 97 डिग्री तो ओवरऑल म्यू नेट हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा याद है वेक्टर सम का फॉर्मूला अपन डिस्कस किए थे ठीक है एंड एस एच बॉन्ड डिस्टेंस दिया है डाइपोल मोमेंट दिया है अच्छा पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 1.5 दिया तो मतलब म्यू नेट की वैल्यू कितनी है 1.5 स्क्वायर कर दो दिस इक्वल टू अच्छा दोनों वेक्टर जो है यहाँ पे म्यू वन म्यू टू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेम बॉन्ड है ठीक है हाँ यस सर तो अंडर रूट टू म्यू स्क्वायर प्लस टू म्यू स्क्वायर इनटू कॉस थीटा ठीक है अंडर रूट हटा दी हाँ सॉरी अंडर रूट हटा देते हैं ठीक है तो कॉस थीटा की वैल्यू दी है -0.22 ठीक है अच्छा इसीलिए अंडर रूट 0.88 की वैल्यू दी है ठीक है तो स्क्वायर रूट ही रखेंगे फिर हम ठीक है समझ में आ रहा है ना क्योंकि रूट की वैल्यू दी हुई तो 1.5 इज इक्वल टू क्या है 2 म्यू स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा 0.88 इस पूरे का अंडर रूट इक्वल टू 1.5 है ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.88 की वैल्यू 0.94 बोल रहा है ये 0.94 into root 2 mu is equal to 1.5 तो इसे mu की वैल्यू आ जाएगी हाँ सर ठीक है और mu equal to होता क्या है q into d होता है हाँ अब आ जाएगा d की वैल्यू दी है q आ जाएगा फिर q से आपको पता है कैसे निकालते हैं परसेंटेज आ जाता है तो थोड़ा और एक बात आप समझा सकते था डिस्कनेक्ट हो गया था वो, देखो तो वेक्टर सम हम करते हैं ना तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट के लिए ठीक है हाँ, तो SHSH बॉन्ड का हमने मान लिया इंडिविजुअली उसका डाइपोल मोमेंट क्या है म्यू है ठीक है तो दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा हाँ सर ठीक है तो म्यू वन और म्यू टू सेम ही है क्योंकि SH बॉन्ड की दोनों बात चल रही है ठीक है हाँ और थीटा की वैल्यू दी है 97 डिग्री क्वेश्चन में तो उसको इसमें पुट कर दो कॉस थीटा की वैल्यू दी है 0.12 उसको ले लो अंडर रूट 0.88 की वैल्यू दी है 0.94 उसको यूज कर लो तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी ठीक है हां सर म्यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इनटू डी होता है डी की वैल्यू दी हुई है तो क्यू आ जाएगा हां सर हां क्यू आ गया तो परसेंटेज आ जाएगा ठीक है और बताओ 8 नंबर में भी डाउट है हां सर क्वेश्चन नंबर 8 CHCl3 द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इज मेंटेन्ड ऑल्दो cos आल्सो गिवन इज cos 70.5 डिग्री 70.5 degree. Therefore, the dipole moments of the given compounds are. ये तो बहुत easy question है. इसमें कैसे doubt हो गया? तो easy है. Oh, sorry. अरे ये तो बिना option देखे कर सकते हैं. तो क्या होगा answer? ये तो गलत हो गया. ये भी गलत हो गया. ये भी गलत हो गया सी हो जाएगा आंसर देखो सी है हाँ सर सी है तो देखो बिना देखे कर सकते हैं इसको देखो क्या करेंगे CHCl3 है सी एच इधर क्या है Cl बात समझ में आ रही है हाँ सर तो इसका वेक्टर सम अगर आप लो वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 ठीक है हाँ सर फिर एक कंपाउंड ये इमेजिन करो CCl CCl4 है ठीक है इसमें जो चारों वेक्टर है वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 इसका म्यू कितना है जीरो है क्योंकि CCl4 है पूरा सिमेट्रिक है
ठीक है सर। तो इस चारों का सम जीरो आ रहा है, मतलब नीचे तीनों वाले का जो रिजल्टेंट है वो माइनस ऑफ इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब इसको अगर म्यू वन बोल दो, इसको म्यू टू बोल दो, इसको म्यू थ्री बोल दो, इसको म्यू फोर बोल दो, हम लोग ऐसा कह सकते हैं म्यू फोर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, समझ में आया? हाँ, तो मतलब इसमें इस कंपाउंड में भी इस तीनों का सम किसके इक्वल होगा, सी सी एल बॉन्ड का जो भी ओवरऑल नीचे की तरफ आ रहा है उसके इक्वल होगा, इसको इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। चमका? हाँ। फिर सिमिलरली सी एच सी एल थ्री में देखो, तो सी एच 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 और इस तरफ क्या है सी एल, फिर अब इस कंपाउंड को देखो सी एच फोर, ठीक है, सी एच फोर में आप सेम लॉजिक लगा सकते हैं। इसका अगर ये मान लो म्यू वन, तो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस सॉरी म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर, मतलब इन तीनों का जो नेट सम है वो किसका मैग्नीट्यूड वाइज किसके म्यू वन के इक्वल है, ठीक है? नो सर। हाँ बोलो। फिर एट का आंसर डी दिया है। एट का आंसर डी दिया है, ठीक है, हम उस पे आते हैं। पहले अभी इसको देखो, ठीक है, CH3 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 इस तीनों का सम किसके इक्वल होगा, सी एच बॉन्ड के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, एक सी एच बॉन्ड के इक्वल। बात समझ में आ रही है? तो एक सी एच बॉन्ड के इक्वल इधर डाल दो और एक तरफ सी सी एल डाल दो, ठीक है। तो ये केस और ये केस दोनों आइडेंटिकल हो गए ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसी ऑप्शन में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ठीक है? ठीक है, तो आंसर गलत है शायद, मैच कर लो, ठीक है, करेक्ट हाँ। कर लो इसको, सी होगा। तो उसमें कॉस 70.5 की जरूरत ही नहीं थी तो? हाँ, कॉस 70.5 की जरूरत ही नहीं थी। सर थोड़ा मतलब और एक बार समझा सकते हैं? सर हमको भी नहीं समझ। देखो देखो अच्छे से इसको इलैबोरेट करते हैं। ये कहां से आ गई, तो कल देख लिया था, ठीक है। ये वेक्टर आप मानो सी सी एल सी एल सी एल सी एल, ठीक है, इसका ओवरऑल म्यू कितना है, जीरो है। हाँ सर, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक है ना। तो इसको आप बोल दो म्यू वन, इसको बोल दो म्यू टू, इसको म्यू थ्री और इसको म्यू फोर, ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मॉड ऑफ म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर, दिस वेक्टर इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। नल वेक्टर पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, तीन को उस साइड ले जाओ, तो म्यू वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर, वेक्टर सम। हाँ सर। हाँ सर। दोनों साइड मॉड ले लो, मतलब मॉड ऑफ म्यू वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर। हाँ सर। हाँ सर। अब इस कंपाउंड को कंसिडर करो, सी एच सी एल थ्री, ठीक है, तो CCl बॉन्ड तो इसमें भी वही होगा, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री का तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा। हाँ सर। हाँ। दिस इज योर म्यू वन, दिस इज म्यू टू, दिस इज म्यू थ्री, ये कुछ और हो सकता है, इसको आप x बोल दो, ठीक है। हाँ सर। या फिर इसको म्यू नहीं, इसको अल्फा बोल दो, ठीक है। हाँ। ओके, तो इस तीनों का जो सम होगा म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस इस तीनों का जो वेक्टर सम है, ठीक है, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री, इसको पिछले लॉजिक के हिसाब से हम लोग इसको माइनस ऑफ म्यू फोर बोल सकते हैं क्या, ये वाला म्यू? हाँ, यस सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ सर। यस सर। तो बस तो इस तीनों को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ए चेक किया है ऊपर की तरफ है क्या अल्फा, और सी एल आपका एक नीचे की तरफ है कितना म्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड म्यू ही है सबका, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू लिख दिया हमने, ठीक है। हाँ सर।
बाय सिमिलर लॉजिक अगर आप सीएल को एच से रिप्लेस कर दो दोनों केस में, ठीक है? हाँ, तो ये हाँ. जो आपका कंपाउंड हो जाएगा सी सी एल एच एच एच, तो इसके भी तीनों को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सी एच से, जो वर्टिकली एक नीचे के तरफ हो. हाँ सर. और सीएल, दोनों के बीच एंगल कितना? 180 डिग्री. समझ में आ रहा है सबको? दिस इज आल्सो 180 डिग्री. तो दोनों कंपाउंड का सम सेम हो जाएगा ना? दिख रहा है सबको? यस सर. मजा आया? हाँ सर. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर फिर सी हो जाएगा, ठीक है? बॉन्ड रूल सेम होगा. हाँ सर. और ये मेरे को नहीं समझ में आया, ये पहला कंपाउंड कौन सा है? CH3 क्या कर रहा है? CH3 CCl3, एक कार्बन से तीन हाइड्रोजन है, इसी कार्बन से तीन क्लोरीन. आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है पहले कंपाउंड में, ठीक है? ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है एग्जिस्ट. इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करने का कोशिश करो, स्ट्रक्चर इसका कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है? इसका जैसे आप अगर लेट अस से CH3 है एक तरफ से, तो कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है? एक तरफ से CCl3 है, तो कार्बन से Cl Cl Cl, लेकिन बीच में और कोई कार्बन नहीं है, ठीक है? मतलब ये दोनों कार्बन सेम ही है, तो नहीं हो सकता ना, एक कार्बन छह बॉन्ड कैसे बना सकता है? अच्छा, बीच में एक कार्बन और है, तो तभी नहीं हो सकता, क्योंकि सी का क्या है यहाँ पे? कुछ इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा. एक मिनट, वो कार्बन नहीं है. सही है. ओके, समझ में आ गया मेरे को, मैंने गलती की इधर. दिस इज सी सी, यहाँ पे सी एल सी एल सी एल, ठीक है? ओके. हाँ सर. अच्छा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इंटरेस्टिंग होगा. देखो वाल को शेयर, ठीक है? इसी पेज पे हम कर रहे हैं, दिख रहा है सबको? तो ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड एच 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 है, और इधर क्या है? सी एल सी एल सी एल है, ठीक है? तो अगेन इस तीनों हाइड्रोजन का सम किसके इक्वल होगा? एक सी एल जो इसके ऑपोजिट मार दो, ठीक है? इस सिग्मा बॉन्ड के ऑपोजिट 180 डिग्री पे. बात समझ में आ रही है? सॉरी, सी एल नहीं, एच, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया, तीन सी एल का सम क्या आता है? चौथे सी एल के ऑपोजिट आता है, तो इस तीन सी एल को हमने एक एच से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? बाय सिमिलर लॉजिक इस तीनों क्लोरीन को हम एक क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बीच एंगल कितना होगा? इसके बीच भी एंगल 180 डिग्री होगा. हाँ सर. तो इसकी भी बॉन्ड बॉन्ड म्यू की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है? क्योंकि इसके इसके बीच तो कुछ बॉन्ड एंगल होगा नहीं, बस जो सम होगा इसका प्लस इसका सम होगा, और वो इसके आइडेंटिकल है, इसके आइडेंटिकल है. तीनों केस में बॉन्ड ऑर्डर हमारा सेम, सॉरी डाइपोल मोमेंट सेम आएगा. बात समझ में आ रही है सर? थोड़ा और एक बार समझाइए ना सर. हाँ, देखो CH3 को हमने अभी तक इसमें जो ये काम किया, ये आपको समझ में आया? तीन क्लोरीन को जो एक क्लोरीन से हम रिप्लेस कर रहे हैं. हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम किया, तीन हाइड्रोजन को, इसको हाइड करो, तीन हाइड्रोजन को हमने एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? हाँ सर. कर सकते हैं ना ऐसे? ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, नीचे वाला केस ही है. ठीक है, फिर सिमिलरली इस तीनों क्लोरीन को हमने एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो yes, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या, बॉन्ड एंगल इसका भी 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो जो आंसर इसमें आया है वही आंसर इसमें आया है, वही आंसर इसमें भी आएगा. तो तीनों का इक्वल होगा, मतलब तीनों का इक्वल होगा. लॉजिक समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर. वो सिमेट्री में कैसे आ गया सर? सिमेट्री में मतलब वो सीएल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा ना, तो सर डबल नहीं, नहीं. अच्छा ठीक है सर, क्लियर है ना सर? मेरा बस एक क्वेश्चन था सर, तीनों हाइड्रोजन जो है
एक वर्टिकली अपवर्ड है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक डायगोनल है सर। नहीं नहीं वैसे नहीं, ये क्या होगा आपका पेन से दिखाने के। ये चीज थ्री डायमेंशन में इस तरह से सिचुएटेड है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और इधर से एक कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है। हाँ सर, हाँ ठीक हाँ है, इधर हाँ से तो इसका इसका और इसका सम नेट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो ये सीसी बॉन्ड है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। नहीं सर, देखो CH4 जो है टेट्राहेड्रल है ना, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दिस वेक्टर एंड डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू दिस वेक्टर। हाँ सर, तो वही काम किया है ना यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है, तीनों प्लेन से निकले हुए हैं, तो इसका जो नेट सम होगा वो एक हाइड्रोजन के इक्वल होगा जो इससे 180 डिग्री पे दिखा। अच्छा हाँ सर, सिमिलरली सेम काम इधर क्लोरीन के लिए हमने किया है। हाँ सबको समझ में आया? हाँ सर, आ गया। यस सर। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, तीनों के बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल आनी चाहिए। ऑप्शन में नहीं है ना? ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन कुछ गलत है शायद। डी वाला होगा, और डी वाला 1.1 नहीं, 1.9 ही होगा। सेकंड में 1.9 में वो कह रहा है, 1.9 कैसे हो जाएगा? हाँ सर, एक्चुअली आंसर भी डी ही दिया है। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। आई थिंक यहाँ पे 1.9 होना चाहिए, या फिर इसको 1.7 कर लो, कैसे भी कर सकते हैं। असल में वही करना है, क्योंकि आपके पास इसमें ना तो क्यू दिया है, ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यू दिया है, ना तो डी दिया है, तो आप मतलब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब आपको यही जोड़ जाड़ के वेक्टर सम वाला कुछ लॉजिक लगा के रिलेशन बस फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें डाउट है एसीटोन वाले में? सर, सिक्स नंबर देखिएगा तो। सिक्स नंबर, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सर उसका पहला नंबर थोड़ा एक्सप्लेन करें। F2O, F2O क्या है? O F F F2O क्या है? F O F O F bond length in O2 F2 is less than, ये bond length small है कह रहा है in comparison to this, कह सकते हो क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने में क्या करता है, एस कैरेक्टर कम कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो एस कैरेक्टर इसमें नॉर्मल ही होगा, इसमें एस कैरेक्टर बड़ा है तो इसमें कंसिक्वेंटली एस कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, एस कैरेक्टर बढ़ गया तो ये बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दिख रहा है? हाँ सर। नहीं सर, मतलब दो को उसमें इक्विवेलेंट है, ठीक है, पहला वाला में। हाँ। तो दूसरे वाला में OF का नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे OO है, ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना? हाँ सर, वो नॉर्मल। हाँ, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपने में थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, इसमें अगर कम किया है तो इसमें उतना ही बढ़ा देगा। ठीक है, हम जब इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तब ऐसा नहीं है कि एक एस बढ़ गया एक एस कम हो गया, क्योंकि दोनों फ्लोरीन है, दोनों में बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो हम इसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे एस सेम है, यहाँ पे एस कम हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं हुआ है कि FOF बॉन्ड में यहाँ पे ओवरऑल S कैरेक्टर कम है, यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा है, दोनों में सेम ही है। सर कि वो लेंथ से उसके रिस्पेक्ट में समझ के कंपैरिजन में वो ज्यादा है। कौन है यार ये? विपुल म्यूट करो आप। ठीक है, ओके आगे बढ़े।
यस सर। फिर कॉम्प्रिहेंशन फोर हो गया। फोर हो गया ना। अच्छा ये वाला शायद डाउट होगा आपको, होमोलिमो वाला। हाँ सर। और बाकी सब हो गए, O2 O2 plus N2 N2 plus ये सब। यस सर। ठीक है, तो ये 11 हम कल पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, या फिर आज भी अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, होमोलोमो आपको डायग्राम बना के पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है? ओके। और बताओ, मैच द फॉलोइंग हो गए सारे? 15 नंबर डाउट है सर, 15 नंबर। एब्रेविएशन, अरे ये तो आसानी है, आयोडीन बना लो, डबल बॉन्ड। सात इलेक्ट्रॉन है, चार ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ, एक इसने बाहर से लिया है, आठ। तो दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने बचे? एक लोन पेयर। तो टोटल पांच चीजें से जुड़े हुए, एसपी 3D हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। आयोडीन, फ्लोरीन फ्लोरीन ऊपर लगाएंगे हम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर डालेंगे। हाँ सर। लोन पेयर इधर आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया देवांजन? और बताओ 16 17 18 16 17 18 में कुछ डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके, देन 19 20 एसर्शन रीजन में कुछ डाउट? तो ये थोड़ा मतलब करना बाकी है, अपने भी किए नहीं। हाँ बोलो। मतलब इसके आगे वाला कर लिया है, ये थोड़ा करना है। हाँ बोलो देवांजन। सर 15 नंबर का सी भी तो sp3d होगा ना? 15 नंबर का सी, हाँ सी भी तो sp3d हो। दो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तीन इलेक्ट्रॉन इधर बचे, एक लोन पे। नहीं ये sp3d2 होगा, एक मिनट, नहीं sp3d होगा। हाँ हो सकता है ना, sp3d दोनों हो सकता है। कैसे मैच करेंगे सर? ऑप्शन करा सकते हैं ना, ऑप्शन एक ही है। आंसर आंसर क्या दिया? आंसर में इसका डी नहीं दिया है, इसका पी नहीं दिया, आंसर नहीं देखा सर। अरे तो देखना चाहिए ना आंसर मैच कर। ओके हां आंसर पी है, ठीक है। मतलब मैचिंग टेस्ट में ऐसा होगा, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जो IIT में क्वेश्चन आते हैं मैचिंग टेस्ट में, उसमें A का आंसर क्या हो सकता है? PQR हो सकता है, B का आंसर RST हो सकता है, C का आंसर A क्या बोलते हैं PQ हो सकता है, D का आंसर 16 नंबर ऐसे ही आ रहा है सर। हाँ तो वैसा ही, और JEE के टाइम जब ऐसे क्वेश्चन आते थे तो इसका पूरे का मार्क्स, अगर सारा अपने तीनों पार्ट सही किया है तब इसका मार्क्स मिलता था 10, नहीं तो 0 मिलता था। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। Assertion reason आप लोगों ने किया नहीं है नालायक सर, एक वो मतलब 27 नंबर डाउट। 27 नंबर SIF longer with corresponding more। SIF में क्या होता है? P-pi-D-pi overlapping होता है। नहीं, P-pi-D-pi overlapping के कारण ऐसा नहीं है कि हो रहा है। SIF जो बॉन्ड होता है उसमें सिलिकॉन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो assertion is true, reason is true, but assertion is not the proper explanation, B हो जाएगा इसका। सर क्यों ज्यादा stronger होता है? ज्यादा stronger क्यों होता है? अच्छा stronger है, मेरे को लगा बॉन्ड लेंथ है, एक मिनट देखो, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हमको लग रहा था बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि सिलिकॉन का साइज ज्यादा है, ठीक है? ओके सर। हाँ लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग भी होगा, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। हाँ। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इस पर हल्का सा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है? और वो ओवरलैप कैसे होगा? हाँ ये ओवरलैप इसके 2p ऑर्बिटल और इसके d ऑर्बिटल के साथ हो रहा है, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो पी पाई डी पाई ओवरलैप हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर, फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? ओके सर। और बोलो 28 29 30 हो गया सर।
ओके ट्रू फॉल्स में कुछ डाउट फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ डाउट ट्रू फॉल्स में 39 नंबर हां 39 अच्छा होमोलोमो हम बढ़ाएंगे उसके बाद ठीक है और बताओ 46 ओ ये तो हो गया सर मतलब और फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ विपुल आप चुप क्यों हैं आपने किए क्या होमवर्क हेलो हेलो देवांजन आपको कुछ डाउट नहीं हुआ नहीं सर कुणाल आपको कुणाल आप तो भेजे भी नहीं होमवर्क आपने भेजा है कुणाल का नहीं आया मेरे को होमवर्क हेलो कुणाल आपको सुनाई दे रहा है और कौन है रिजु आपका होमवर्क भी नहीं आया क्या आपका साउंड नहीं आ रहा है विपुल क्या बोल रहे हैं आप हेलो हाँ बोलिए हाँ सर वो उधर का सर डाउट वही उसी में था बस अच्छा ठीक है रिजु आप बताइए आपने होमवर्क क्यों नहीं भेजा अभी तक हेलो सर पूरा नहीं हुआ कब तक होगा जितना हुआ उतना भेजो अभी ठीक है रिजु ओके सर फिर और कौन है रितिशा आपका होमवर्क अच्छा कंप्लीट हो गया ठीक है जितना कंप्लीट हुआ उतना आप भेजो ठीक है रितिशा देन हु एल्स वत्सल दास अच्छा होमवर्क पता चलता है ये वत्सल भाई जाता है कुणाल आपका हेलो कुणाल आपका माइक खराब है तो चैट में आप लिख के बताइए ठीक है मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव टाइम में बताओ क्या डाउट है ज्यादा डाउट नहीं मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है तो लास्ट में सर 40 वाला डाउट था 40 सर 8 वाला डाउट क्यों क्योंकि एक्स एजीसीएल अरे ये बताया हुआ है भाई है फजान्स रूल बताया था ना कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी बताया था पूरा एक लंबा सीरीज लिखा था ना हाँ सर
पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, ना ही ज्यादा कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। और बाकी सर 26 उसके पहले डाउट नहीं है, सबका हो गया नंदनी एंड विपुल सर 19 के इधर था कुछ, बताओ क्या 19 के इधर कौन सा क्वेश्चन 90 नंबर सर 19 डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज दिस द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज हाँ सर 19 वाला मेरा भी डाउट है, हाँ नहीं हुआ। लेंथ ऑफ डाइपोल इज इन्फॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है। अच्छा वन डायोप्टर इक्वल टू हाउ मेनी कोलम मीटर होता है बताओ मेरे को। 3.33 into 10 to the power minus 18 minus 30 minus 30 31 हाँ 30 होता है 30 ओके से हाँ सर लिखे हैं तो दिस इनटू 1.48 ये क्या है आपका इतना कोलम मीटर आपका डाइपोल मोमेंट तो बॉन्ड लेंथ ये तो नहीं हो सकता इतना बड़ा बॉन्ड तो नहीं बन सकता इतना बड़ा 308 मीटर का भी बॉन्ड नहीं बन सकता ये हो सकता है या फिर नन हो सकता है ये तो सर जनरल नॉलेज है लेकिन नन क्यों डाल दिया इसने ठीक है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे या तो उसको देना चाहिए था कुछ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तीनों का ठीक है एंगल वैंगल कुछ देना होता तो उससे निकाल सकते थे हम ऐसे सीधे तो तुक्का टाइप का हो गया क्वेश्चन चलो ठीक है और बताओ क्वेश्चन नंबर 25 तक और कुछ डाउट है नहीं सर आप लोग नंदन पेस मतलब रीच वाला क्या कौन सा क्वेश्चन 24 नंबर 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट लुईस बेस हमने बताया ना लुईस एसिड और लुईस बेस वही सर इलेक्ट्रॉन रिच वाला हाँ इलेक्ट्रॉन रिच वाला और विपुल आपको और कुछ डाउट नहीं है 26 नंबर सर 26 डायटोमिक मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूल बॉन्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रैक्शन अच्छा ये तो आसान हो गया ना इसको सबसे पहले आप कोलम मीटर पे कन्वर्ट कर दो ठीक है इसको फिर आप मीटर में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू डी होता है हाँ सर म्यू की वैल्यू पता है डी की वैल्यू पता है क्यू की वैल्यू आ जाएगी हाँ फिर अरे ये तो डीपीपी में हमने दिया हुआ है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पर परसेंट फ्रैक्शन नहीं था सर उसमें फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड ईच एटम सब कुछ हाँ कर सकते हैं देखो जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो HCl मान लो ठीक है तो HCl अगर पूरा 100% अगर आयोनिक होता 100% आयोनिक तो इसका मतलब क्या है H पे पूरा प्लस वन चार्ज है और Cl पे पूरा माइनस वन चार्ज है बात समझ में आ रही है हाँ सर हाँ सर तो यहाँ से Q की जो वैल्यू आएगी उसको आपको बस 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर देना है ठीक है वो आपका परसेंटेज आयोनिक परसेंटेज होता है हाँ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हो जाएगा वो ठीक है अच्छा वही निकालना है वही है ना फ्रैक्शन के टर्म्स में बताना है परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन बताना है ठीक है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा नहीं तो वैसे 100 से डिवाइड नहीं करोगे फ्रैक्शन रहेगा इज इट क्लियर हाँ सर हाँ सर 1.6
करेंगे होगा तो 4.8 से क्यों करेंगे डिवाइड? ये है ना इलेक्ट्रॉन है। हाँ इलेक्ट्रॉन है, इस पे अगर एक इस पे अगर प्लस वन चार्ज है मतलब कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज है ना। ठीक है तो इसलिए 1.6 से करेंगे। ठीक है क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। और बताओ सर 25 का बी ऑप्शन। 25 का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन SOF2 नहीं नहीं सर बी वाला पी। बी Ka2। अच्छा फ्यूमारिक एसिड। अच्छा ठीक है इसको आपको बताया नहीं होगा ये चीज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग मैलेइक एसिड और फ्यूमारिक एसिड देखे थे। हाँ सर देखे थे। ये कौन सा है मैलिक एसिड है कि फ्यूमारिक एसिड है? मैलिक है। मैलिक एसिड सर। फ्यूमारिक एसिड का मतलब सा था। ठीक है दिस इज योर फ्यूमारिक एसिड। तो Ka1 के अच्छा Ka1 Ka2 ठीक है इसको छोड़ दो यार इक्विलिब्रियम के बाद पढ़ेंगे। ठीक है या फिर देख लो समझ लो समझ लो। Ka1 मतलब इसका पहला हाइड्रोजन जो निकलेगा ठीक है वो कितना अच्छे तरीके से निकलेगा। मतलब Ka1 अगर किसी एसिड का ज्यादा होता है मतलब दिस इज अ बेटर एसिड इन कंपैरिजन टू दैट जिसका Ka कम। ठीक है हाँ सर। तो एक जगह से आप H+ निकाल दो तो इसको COO- हो जाएगा फिर COOOH हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे जो पहला एसिड निकालने के बाद जो हो रहा है अनायन बन रहा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा अच्छे से राइट? हाँ होगा। हाँ और यहाँ पे जो आपने बनाया यहाँ पे अगर आप सी डबल बॉन्ड सी सी ओ ओ माइनस सी ओ सी ओ एच ठीक है ठीक है इसमें ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है बात समझ में आ रही है? हाँ तो Ka1 विल बी बेटर देन Ka2 ठीक है बेटर एसिड ये है हमारा। ठीक है हाँ सर। और सेकंड अगर आप इसकी H+ निकालो सेकंड H+ निकालो ठीक है सो इसको Ka1 बोलो इसको Ka1- बोलो ठीक है क्योंकि Ka2 मतलब सबसेक्वेंट जो होता है उसमें हम लोग निकालते हैं। जैसे इसका जो H+ निकलेगा तब जो K वैल्यू आएगा वो Ka2 बोलेंगे उसको। ठीक है तो दैट विल बी CCCO O- CO O-। बात समझ में आ रही है सबको? मतलब एसिड से बेसिकली आप क्या कर रहे हैं Ka वैल्यू क्या होता है किसी एसिड से H+ और A- कितने आसानी से बन रहा है। ठीक है Ka अगर अच्छा है ज्यादा है मतलब क्या है बेटर एसिड है। ठीक है हाँ सर। तो यहाँ पे आप देखो इस कंपाउंड में ये जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके साथ तो इससे H+ निकालना मुश्किल होगा कि आसान होगा बोलो वालको? मुश्किल होगा कि आसान होगा उससे H+ निकालना अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा ना ठीक है। और इस केस में देखो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ नहीं है तो आराम से निकल जाएगा Ka2। ठीक है तो पहले केस Ka2- कह लो इसको इसका Ka2 है इसका Ka2- है। ठीक है तो अब हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं मतलब Ka1 और Ka1- में कौन बेटर है Ka1 या Ka1-? So, Ka1 बेटर है। Ka1 बेटर है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये रिजल्ट बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है और सिमिलरली Ka2 और Ka2- में अगर कंपेयर करें तो कौन बेटर है?
तो के ए वन डैश बेहतर है, टू डैश, ये के ए टू और के ए टू डैश, ओ सॉरी के ए टू बेहतर है, के ए टू नहीं, के ए टू खराब होगा ना क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, उससे हाइड्रोजन खींचना ज्यादा मुश्किल होगा ना, बात समझ आ रही है? नहीं सर। अरे ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन कस के पकड़ा हुआ है, तो उससे H प्लस, आप यहाँ से यहाँ बनाने के लिए आपको H प्लस निकालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो H प्लस निकालना मुश्किल है, ठीक है? हाँ सर। H प्लस निकालना मुश्किल है मतलब बैड बेस है, गुड बेस नहीं है। हाँ सर। बैड बेस है तो क्या होगा, K कम हो जाएगा, बात समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए पहले आयोनाइजेशन अगर आप कंसीडर करें तो क्या होता है, Ka1 मतलब मैलेइक एसिड इज अ बेटर एसिड देन फ्यूमारिक एसिड, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन करेंगे तो फ्यूमारिक एसिड इज बेटर एसिड देन मैलेइक एसिड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। उसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन होगा इधर, ठीक है? और बताओ सर, और आप लोगों ने तो पूरा किया ही नहीं है, दो दिन का छुट्टी मिला था। नहीं सर, पूरा पूरा नहीं किया, मैं इसका पूरा कर लिया सर, 87 क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हैं, इसका पूरा 87 कर लिया आपने? आई मीन कुछ कुछ रह गया है। हाँ तो पूछो ना, जो डाउट पूछो ना, क्या नहीं तो वो तो पूछ इसे 35 नंबर, 35 हाइड्रोकार्बन हैज लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, ओके तो ये हो जाएगा ना, ये ट्रांस है, 180 डिग्री पे जीरो हो जाएगा। ये हम बताया था ना सिस और ट्रांस में क्या होता है। हाँ सर। तो फिर और सर दूसरे सब वाला को कैसे करेंगे फिर? दूसरे सब वाला को करना ही नहीं है, इसका जीरो हो गया, बाकी का कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही होगा ना अगर अनसिमेट्रिक है तो। हाँ सर। तो सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो इसमें तो सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, H2S2O6 कैसा दिखता है, S S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है? H2SO3 कैसा दिखता है, S डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है? H2S2O5 कैसा दिखता है, बीच में नहीं नहीं ठीक है? हाँ सर। हाँ तो जनरली बच्चे ऐसे बनाते हैं लेकिन ऐसा ये होता नहीं है, ठीक है? सिमेट्रिक बनाने के चक्कर में SOS बॉन्ड बना देते हैं लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, अनसिमेट्रिक होता है ये OH OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है OH, ठीक है? तो ये इसको मेमोराइज करो आप स्ट्रक्चर इसका, ठीक है? अब पाई बॉन्ड कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, चार पाई बॉन्ड होंगे, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड, ठीक है? नंबर क्या हो गया, सबसे ज्यादा वन में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग में सबसे कम टू, फिर थ्री, फिर वन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिड, छोड़ दो इसको यार, इनॉल फॉर्म ऑफ क्या बताएं आपको, हाइड्रो जब जीओसी पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है? वैसे अभी पूछ लिया आपने तो एक बार थोड़ा सा देख लो लेकिन समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है। जैसे एसीटोन, कोई भी कंपाउंड अगर ऐसा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप, ठीक है? और इसमें बगल में जो हाइड्रोजन है, दिस कार्बन इज एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? तो ये कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये कीटो फॉर्म होता है और ये चेंज होते रहता है किसके साथ, अपने इनॉल फॉर्म के साथ। इनॉल फॉर्म क्या होता है, तो इस डबल बॉन्ड ओ को आपसे रिप्लेस कर देना है और डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? बात समझ में आई? मतलब बेसिकली ये हाइड्रोजन जो है आपका उठ के यहाँ पे आ गया,
ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ सर। तो इसको इनॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको इन बोलते हैं, और ओएच है इसलिए इसको ऑल बोलते हैं, ठीक है, अल्कोहल, इसलिए इसको इनॉल बोलते हैं, इसको कीटो बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। यस सर। और फिर एसीटोन, एसीटोन किसको बोलते हैं, एसीटोन इस कंपाउंड का नाम होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है। तो इसका आप इनॉल फॉर्म अगर बनाओ, कैसे बनाओगे, सी एच थ्री इधर का वैसे ही रखो, ये ओ एच कर दो, इसको डबल बॉन्ड सी एच टू कर दो, तो ये इनॉल हो गया, दिख रहा है सबको। अच्छा, OH लेके आना है, बस इनॉल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे डबल, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। फिर इस पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो कहाँ गया, इनॉल फॉर्म एसीटोन कंटेन। हाँ, तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कितना लोन पेयर, ठीक है। हाँ सर। और बताओ, 138 प्रोटोनेशन नहीं है, प्रोटोनेशन। हाँ सर। हाँ सर, सॉरी, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेट, इथर पता है ना, इथर क्या होता है, आर ओ आर होता है इथर, ठीक है। प्रोटोनेशन मतलब एच प्लस का एडिशन। सर, इथर एक परफ्यूम होता है ना? नहीं, इथर परफ्यूम नहीं होता है, इथर बोलते हैं उसको परफ्यूम, ठीक है, अच्छा से। प्रोटोनेशन मतलब H+ का एडिशन, ठीक है। तो जिस तरह H2O पे H+ का एडिशन होता था, H3O+ बनता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा H के साथ, ठीक है? तो प्रोटोनेशन में आपका हो गया डेटी बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। हेलो। फिर BeCl2 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, हम लोग देखे थे, क्लोरीन इधर से ऐसे दे देता है ना। हाँ सर। हाँ। फिर डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड में डेटिव बॉन्ड होता है क्या? नहीं होता है आई थिंक इसमें। इसमें डिसोल्यूशन ऑफ वाटर इन, हाँ इसमें तो होगा ही, वाटर में HCl को अगर आप वाटर में डालो क्या होता है, H3O+ बनता है प्लस Cl- बनता है, H3O+ बना मतलब ये डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, आंसर आपका C हो जाएगा। हेलो दिवांजन, आपको डाउट नहीं हुआ कुछ इधर? ओके चलो ठीक है, बताओ शुभांकर, ये 40? हाँ सर, 40 एटॉमिक नंबर है SnCl2। अरे यार, SN तो हमारा वो कार्बन फैमिली में आ जाता है ना, उसका मतलब ऐसे ही बना देना है। हाँ, वैसे बना देना और क्या हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे ना कार्बन की तरह। हाँ सर। खत्म, ठीक है। ठीक है सर। ये सब क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। 49 कॉमन फीचर्स ऑफ N2 minus O2 and NO minus. अब हो जाएगा सर। ठीक है। और बताओ। 50. Which of the following statements is incorrect? ये हो जाएगा, अभी कर लो आप। अरे सर, वो भी था। बताएं क्या? या फिर हो जाएगा? सर एक बार। हो जाएगा। हो जाएगा ना, सब H2 C2 सबका वैसे ही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करते हैं। 53, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में अच्छा होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने क्या बताया था, थर्ड में होगा ना, या सॉरी फोर्थ में होगा। तो एक मिनट बात सुनो, HB करके इस कंपाउंड से ये परमानेंटली बॉन्डेड है, और एक इधर लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होगा जिससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये क्या होना चाहिए, बी शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ताकि इस पे डेल्टा प्लस अच्छे से बने, और दिस शुड बी
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ताकि ये इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है? तो देख लो, हाँ हाँ सर ठीक है, ठीक है। तो सर हमको ये डॉट डॉट वाला नहीं समझ में आया था, कौन सा लाइन ऐसे, मतलब बीच में ऐसे एच है उधर ऐसे ऐसे, मतलब समझ नहीं आया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, डॉट डॉट से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करते हैं ना। ओ हाँ ठीक है, तो देख लो बी किस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस केस में है, और इस केस में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें उसके बाद, तो मतलब थ्री और फोर आपका क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा इन कंपेरिजन टू कौन सा, वन या फिर टू, ठीक है? इनफैक्ट वन ज्यादा होगा और सबसे खराब क्या होगा, टू अभी तक के हिसाब से, ठीक है? फिर L को देख लो, L किस में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, L सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में है, L सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव F माइनस, नहीं सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें है ना, S नहीं नहीं F माइनस, F माइनस, ठीक है? F माइनस में तो 3 बेस्ट हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 फिर 2 3 4 1 2 ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके 57, 8, 9 इधर कुछ डाउट है? ठीक है 61 to 65 कुछ डाउट है? विपुल आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मेरे को डाउट हो रहा है, आप कुछ किए नहीं है। हेलो विपुल, क्या हो गया इसको? सर 55 करेक्ट था पॉइंट। 55? अरे ये बताया था यार, ये दो बार बता चुके हैं क्लास में। डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, डिस्टेंस के कारण हो जाता है ये। पूरा हम ऑर्डर बताए थे भाई, CH3F ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ सर, वो हमको याद था कि एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सेप्शन है, लेकिन वो उसका रीजन नहीं पता। रीजन बस वही है ना, दो फैक्टर ही म्यू को अफेक्ट करता है, क्यू और डी। क्यू के हिसाब से तो एफ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें सीएल ज्यादा है, मतलब डी के कारण। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए डाउट। और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भाई। नहीं सर कोई डाउट नहीं। ये मतलब पार्ट टू का वो तो ज्यादा नहीं हुआ है सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट टू करके आना आप फिर कल, ठीक है? और बाकी लोग, नंदनी आपको कुछ डाउट पूछना है? हाँ सर, पार्ट टू का मतलब कल पूरा कर लेंगे और उधर भी कोशिश करेंगे। ओके, बाकी लोग कहाँ है? वत्सल आया क्या? नहीं आया। ठीक है, कुणाल आपका कितना हुआ है, मेरे को जल्दी से फोटो खींच के भेजो। ठीक है, और रिजु आपका भी जितना हुआ है आप जल्दी से फोटो खींच के भेजो, रितिशा आप भी। ठीक है, ओके चलो ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। कल के बाद ये चैप्टर डिस्कस नहीं होगा, कल तक 7:30 बजे तक सबका होमवर्क आ जाना चाहिए। इनफैक्ट आज ही आ जाना चाहिए था, आप लोगों ने अभी तक भेजा नहीं है, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। Whether you are preparing for IIT JEE or NEET, इस तरह से लेथार्जी से कुछ नहीं होगा। दो दिन उधर छुट्टी मिला, उसमें करना चाहिए था आपको, सब लोग बैठ के। कितना क्वेश्चन है, 200-250 क्वेश्चन है, एक दिन में बना लेते हैं। दो दिन, अच्छा हाँ सर ठीक है। 200-250 भी नहीं होगा, कितना है ये? ABCD तो बहुत पहले दिया था हम लोगों ने, ABC तो बहुत पहले दिया था आपको, मुश्किल से 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 या मैक्सिमम 150 क्वेश्चन होंगे। चार दिन में 150 क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है।
ठीक है, वो भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत कम है, ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो अभी आप लोग देखे नहीं है, तो भी आप लोग का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तब जो टेस्ट वगैरह होगा उसमें टफ क्वेश्चन आएंगे, ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो आधा मिनट एक मिनट का क्वेश्चन सर ये सब, तो आप लोग एफर्ट डालो, फाइट मारो, ऐसे नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है सर, चलो ठीक है, जल्दी से करके फिनिश करके भेजो मेरे को। ओके, थैंक यू वेरी मच।